हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि अब भी यहाँ पर कॉलेज तो अलॉटमेंट हो चुका है, बट यहाँ पर जो कॉलेज मैं चुना था वो कॉलेज में तो आया नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी नहीं आया, फोर्थ में आया। तो अभी क्या करूँ सर, उसमें रुक फर्स्ट वाले में जाना था। तो मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को क्यों नहीं गए उसका रीज़न जानना पड़ेगा, प्लस क्या हो सकता है कि आप लोग को किस तरीके से दूसरा कॉलेज चुन सकते हो। मेरे भाई, आप तो उसमें आए नहीं अभी, एक तारीख से लेकर आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ कॉलेज अलॉटमेंट पे आप लोगों को सिंपल तरीका, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, देखोगे चेक अलॉटमेंट स्टेटस, यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तभी जाके आप लोग को होने वाला। यहाँ पर जब क्लिक किए तो आप लोग को एक राउंड अप यहाँ पर खुला है, देखोगे यहाँ पर ये चीज़ खुला हुआ है। अब यहाँ पर दिया गया, देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर पहला ही वाला कॉलेज क्या हुआ, अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट परफॉर्मेंस जो दिया गया था वही वाला कॉलेज, फर्स्ट नंबर वाला ही यहाँ पर क्या हुआ है, अलॉटमेंट हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पहला वाला दूसरा रखे थे, वो ना आके उनका क्या आया है, तीसरा नंबर आ चुका है, चौथा नंबर आ चुका है, बट इनको इसमें क्या करना है, इसमें लेना ही नहीं एडमिशन। मेरे भाई, उनका कहना है कि सर ए वाला और ए वाला मेरे को लेना ही नहीं था सर, मेरे को फर्स्ट वाले में लेना था, अब भी मैं सर क्या करूँ। मेरे भाई एक बात बता दूं, आप लोग को सबसे पहले उस कॉलेज का अलॉटमेंट देखो कितना कट अप रखा गया है, क्योंकि हो सकता है, देखो यहाँ पर जो बंदा था उसका मेरिट लिस्ट अलग था, यहाँ पर सबसे पहले इसका आ गया, इसका मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखो दिया गया, देखो ये चीज़ है, और ये बंदा यहाँ पर इतने बच्चे से पीछे है, तो भी इतने बच्चे से पीछे है, एक उनके स्कूल का इतना लमसम उनके स्कूल का कटअप था, 354 नंबर आया था, तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही ये इस कॉलेज मिल गया। तो ईजिली यहाँ पर आप लोग को भी क्या करना है, ध्यान से सुनना, अब जो बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग को क्या करना है, आपको कुछ भी यहाँ पर एक दिया गया है, जो भी कॉलेज आप लोग को अलॉटमेंट हुआ है उस पर देखो यहाँ पर दिया है प्रोसेस्ड फॉर एडमिशन, और यहाँ पर आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है मेरे भाई, भूल के भी क्लिक नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना, इस पर क्लिक ही नहीं करना है, इसको छूना ही नहीं है। अगर बाद में इस पर क्लिक कर देते हो तो वहाँ पे जिस कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ वहाँ पर नोटिफिकेशन चले जाएगा, वो वहाँ से एडमिशन आपका कंफर्म कर देंगे। फिर बाद में आप सोचोगे सेकंड मेरिट लिस्ट को मैं एडिट करके फिर से मैं आगे का प्रोसेस करूं, तो इसमें आपका होएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर एडमिशन आप लोग प्रोसेस में डाल दियो जिस कॉलेज में आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था। तो यही बोलूंगा कि अगर आपको उस कॉलेज में नहीं जाना है तो आपको एक तारीख तक, देखो यहाँ पर 27 जून को आया था, और यहाँ पर आप लोग को 1 जुलाई तक ये चीज़ क्या होगा, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं करते, आपको कैंसिल भी नहीं करना है मेरे भाई, बस ऐसे रहने देना, तो आपको 1 तारीख को आप लोग का ये सब सिस्टम जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पर नहीं क्लिक करते, क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगा, वहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, एक कॉलेज आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप लोग को सेकेंड 2 जुलाई को आपको पार्ट जो सेकेंड है उसमें आप लोग को कॉलेज फिर से आप लोग क्या करना, एडिट कर लेना मेरे भाई। पार्ट वन तो खुला ही है, बट पार्ट टू 2 तारीख को खुलेगा, तब आप लोग यहां पर क्या करना, अपने हिसाब से जितना आपका मेरिट लिस्ट आया है आपका कितना है उस हिसाब से, क्योंकि यही रीज़न हो सकता है कि आप लोग का कॉलेज क्यों नहीं पहला परफॉर्मेंस में नहीं आया, क्योंकि आपका उतना मेरिट लिस्ट नहीं था, उतना नंबर आप लोग का नहीं था, इसके लिए उस कॉलेज को अलॉट नहीं किया गया। आप लोग को यहाँ पे जो भी अलॉट किया गया वहाँ पर इसको इतना आपके नंबर तक का लिया जा रहा था, वो कटअप था, इसके लिए वो कॉलेज आप लोग का अलर्ट हुआ। अब अगर आपको दूसरा देखना मेरे भाई, उसमें तो नहीं होगा, जो 90% लिख के ले लो उसमें तो एडमिशन नहीं होगा, मेरिट लिस्ट में आप आने वाले नहीं हो। बहुत सारे कॉलेजेस का आप सोचोगे कि एक बार में इतना कटा मेरिट लिस्ट आया तो सेकेंड में बहुत सारा कटअप में जा सकता है, तो मेरे भाई बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिससे 1% बस नीचे ऊपर होता है, नहीं तो वो भी नीचे ऊपर नहीं करते, उतने के उतने रख देते हैं। इसके लिए आपको मैं एक ही वर्ड बोलूँगा, अगर आप अदर कॉलेज कोई देख रहे हो अच्छा कॉलेज, तो वो चीज़ एडिट करके वहाँ का कटअप देख के आप लोगों का पार्ट टू फिर से क्या करना है, वहाँ पर सिलेक्ट करना है 10 कॉलेजेस, और उसमें से आप लोग को जो आप लोग को लगता है कि इस कॉलेजेस में मेरा आ सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, तो वो कॉलेज आपको बिंदास चुन लेना, उसको फर्स्ट रैंक पे रख देना मेरे भाई। ए वाला जो कॉलेज अब भी अलॉट हुआ उस कॉलेज को वहाँ से डिलीट कर देना है,
मेरे भाई ये समझ के रखना, अगर इसमें से आप लोग प्रोसेस पे क्लिक कर देते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, लास्ट में आपको खुद रोना पड़ जाएगा कि सर ये चीज़ मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। तो इसके लिए मेरे भाई ये वीडियो बनाओ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, ना प्रोसेस पे ना कुछ नहीं करना, ये एक तारीख तक वेट करना है, 1 जुलाई तक आप लोग को ये कैंसिल हो जाएगा, 2 तारीख को आप लोग को फिर से आप लोग को प्रोसेस वही करना है, 10 कॉलेज चुनना है, ए वाले को पहले इसी को डिलीट करो जो अलॉट हुआ है, क्योंकि आपको एडमिशन तो इसमें कैंसिल हो चुका 1 तारीख के बाद, तो इजीली आप लोग दूसरा कॉलेज चुनो जो आपके अवकाश से नियर बाय हो वो चुनना, ना कि भैया आपका इतना परसेंटेज आया आप जा रहे हो हाई फाई कॉलेज में लेने तो अलॉटमेंट नहीं होगा, फिर बोलोगे सर फिर नहीं होगा, तीसरा राउंड तीसरा चौथा राउंड ऐसे करते रहोगे, मेरे भाई नहीं होगा। इसके लिए बोलता हूँ कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, आपको टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ का अपडेट HDTech आप लोग को दे रहा है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।